फ्राइडे को आईटी में एक काफी अच्छा ब्रेकआउट आया था, इनफैक्ट काफी ब्रॉड बेस्ड ब्रेकआउट था, लार्ज कैप स्टॉक स्मॉल कैप सब एक साथ चल रहे थे। इससे भी अगर हम निफ्टी आईटी इंडेक्स को देखेंगे तो गैप डाउन में खुलने के बाद डेज हाई की तरफ आ गई है। कुछ आईटी, ये देखिए आईटी इंडेक्स अब से 50 पॉइंट नीचे रह गई है, नीचे में 30,200 के आसपास करीब 100 पॉइंट का रिकवरी वहां पे दिखा है। आईटी में रिबाउंड खेलने के लिए आपके सबसे सेफेस्ट स्टॉक कौन सा है कुछ? जी हाँ जी, मैं दो स्टॉक्स इनफैक्ट सजेस्ट करता हूँ, एक यू नो लार्ज कैप नेम से और एक मिड कैप नेम से। लार्ज कैप नेम से आप यू नो एचसीएल, यू नो एचसीएल टेक्नोलॉजीज पे नजर रखिए, अच्छा खासा अप मूव आया है स्टॉक में पिछले दो दिन से, इंक्लूडिंग टुडे हम हल्का सा कंसोलिडेशन या साइडवेज मूवमेंट देख रहे हैं, बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट्स हैं अपने नेक्स्ट लेवल ऑफ अप मूव के लिए, बिल्कुल ये स्टॉक यू नो यहाँ से रेडी हो रहा है। तो लार्ज कैप स्पेस में यू नो एचसीएल टेक विल बी माय प्रेफर्ड पिक। यहाँ पे 1090 के जो लेवल्स हैं यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस बना के चले। जो मेरा पहला टारगेट है ये 1060 के आसपास आ रहा है और दूसरा टारगेट 1160 एंड 1190 के आसपास के टारगेट्स आ रहे हैं। सो एचसीएल टेक लार्ज कैप नेम से। जो दूसरा स्टॉक है स्मॉल कैप स्पेस से वो है परसिस्टेंट सिस्टम्स। अगेन कंसेंसस भी इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग है, यू नो मैं आप इन्हीं अपने चैनल पे यू नो काफी और पैनलिस्ट से भी सुन चुका हूं परसिस्टेंट के बारे में, एंड बिल्कुल हमारा भी व्यू इसमें पॉजिटिव रहा है। आप देखिए यू नो पिछले दो से तीन दिन में ब्रेकआउट एंड देन फॉलो थ्रू एंड ऑन द बैक ऑफ वेरी गुड वॉल्यूम्स, तो काफी अच्छा मूवमेंट इसमें देखने मिला है। मिड कैप साइड से कोई लेना चाहे तो परसिस्टेंट पे नजर रख सकते हैं। यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस है 3900 के आसपास निकल के आ रहा है, पहला टारगेट 4200, दूसरा टारगेट 4280 के आसपास का। परसिस्टेंट सिस्टम्स एंड एचसीएल टेक, ये दोनों स्टॉक्स मैं डेफिनेटली मेरे रेडार पे रखूंगा फ्रॉम द आईटी स्पेस। ओके ठीक है, दो एक स्टॉक ऐसा है जिसके पास दो बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से वो आज थोड़ा सुर्खियों में भी रह सकता है और आने वाले दिनों में भी चल सकता है। पहला है डेल्टा कॉर्प शेयर का नाम, वजह है 17 दिसंबर को असल में जीएसटी काउंसिल की एक बैठक हो रही है। मेरी सहयोगी मेघना ने हमको ये जानकारी दी कि जीएसटी पे जो टैक्सेशन का तरीका और टैक्सेशन ऑनलाइन गेमिंग पर वो तय हो जाएगा इसी बैठक के अंदर, यानी कि फुल एंड फाइनल होगा। एक तो पहला ये पॉइंट है इसके पास। दूसरा, ये दिसंबर का महीना डेल्टा कॉर्प के लिए बहुत शानदार जाता है, इसलिए भी इसको ध्यान रखना चाहिए। और सीरीज़ का जब एंड हुआ है तो इसमें अच्छे रोल ओवर भी आए हैं। एक और बात है, इसमें अभी तक बैन नहीं लगा है, टिपिकली एफ एंड ओ बैन वाला शेयर है, तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पोजिशन इसमें बनाई जा सकती हैं क्या, एक बार ये पता करते हैं। प्रशांत आप जरा चेक कीजिएगा, 222 या 220 वाली रेंज है, पूरी तरह से बेस बना चुकी है, चलेगा हो सकता है 10 दिन बाद, लेकिन क्या खरीद सकते हैं इसको हम? जी कंसोलिडेशन दिख रहा है निफ्टी, और हर बार जब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो सेलिंग नजर आ रही है, बट अच्छी बात यह है कि सेलिंग में कोई वॉल्यूम नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी ये 224 चल रहा है, मेरे हिसाब से 215 के स्टॉप लॉस से बने रहिए और जब तक ये इंटैक्ट है बिल्कुल लॉन्ग रह सकते हो। मेजर रेजिस्टेंस क्या है, तो डेफिनेटली 230-35 ये जोन, इसके ऊपर ये स्टॉक निकल जाए तो शायद हमें 250-55 भी दिख जाएंगे। पर जैसे मैंने कहा, टारगेट से ज्यादा इस स्टॉक में फिलहाल डाउन साइड पे ध्यान रखिए। इसकी वजह बहुत सिंपल है कि पूरी दुनिया को पता है कि दिसंबर में ये चलता है तो पूरी दुनिया इसमें लॉन्ग होगी, तो इनके खिलाफ एक मुंह आना बहुत ही एक्सपेक्टेड है, इसलिए मैं 215 पे स्टॉप लॉस बनाए रखूंगा। जब तक ये इंटैक्ट है मैं इसमें लॉन्ग रहना चाहूंगा।